पार्टी बन सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 132 सीटें, लेकिन बीजेपी उससे ठीक पीछे 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। जेडीएस का आंकड़ा 24 सीटों का हो सकता है, ये इस समय की बड़ी खबर है। टारगेट कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा कह रहा है कांग्रेस को बढ़त सबसे ज्यादा सीटों के साथ, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही एग्जिट पोल के मुताबिक। इस समय हम ये कह सकते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय का जो बड़ा आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि बेंगलुरु शहर के अंदर एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। बेंगलुरु सिटी के अंदर बीजेपी अगर लूज कर रही है सीटें तो ये बड़ी दिक्कत की बड़ी बात हो सकती है। लेकिन करावल क्षेत्र के अंदर बीजेपी को अंदर यानी जो तटीय इलाका होता है वहां पर बहुत बड़ी बढ़त, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी 16 कांग्रेस 3 के साथ सिमट सकती है, यानी बीजेपी रूरल इलाकों में गेम कर रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो गेन आ रहा है बड़ा वो रूरल इलाके से आ रहा है क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शहर की सीटों में बीजेपी पिछड़ रही है लेकिन रूरल इलाके की सीटों में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। जो आंकड़ा अभी तक कह रहा है, ये जो समीकरण है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधा रुक करूंगा, मेरे तो संजय निरुपम भी है, सुधांशु भी है। जो बात जेडीएस के प्रवक्ता ने बोली कि सरकार तो हम ही बनाएंगे और हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात तो सच है। सुधांशु त्रिवेदी और संजय निरुपम, पहले संजय जी आप ही दे दीजिए 40 सेकंड में जवाब। जेडीएस कह रही है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार हम बनाएंगे, और उनका कहना है बजरंग बली फैक्टर काम किया है बीजेपी के लिए। ठीक है, वो दावा कर सकते हैं, अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेडीएस बहुत ज्यादा कर्नाटक के मतदाताओं की पसंद के तहत था। हाँ, जेडीएस का एक अपना वोट बैंक है, वो काफी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे जाएगा और उस हिसाब से उनके सीटों की संख्या भी घट सकती है। हाँ, जेडीएस इस उम्मीद में हमेशा रहेगी कि एक हंग किस्म की असेंबली हो और उसमें बगैर उनके कोई सरकार न बनाए, लेकिन कर्नाटक के मतदाता बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कम्युनल कैंपेन था उस कैंपेन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया है, और कांग्रेस पार्टी का जो एक ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कैंपेन था, एकदम स्थानीय मुद्दों से जुड़ा जो कैंपेन था, उस कैंपेन को उन लोगों ने पसंद किया, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जा सकती है मुझे ऐसा लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 70 सीट पे जाकर सिमट जाएगी, और उसके बाद अगर 70 सीटों से वो आगे बढ़ती है तो जेडीएस 10-15 के आसपास रह जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस हिसाब से जेडीएस का जो एक ख्वाब है जिसको कहते हैं एक शेख चिल्ली का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं। जेडीएस से अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस लेगी कि नहीं लेगी? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस बारे में आगे का जो फैसला होगा कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वहां की राज्य की इकाई तय करेगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरा ऐसा अनुमान है और पार्टी ऐसी उम्मीद कर रही है कि एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देने का मूड कर्नाटक के मतदाताओं के मन में था और वो दिख रहा था। आप सपने क्यों देख रहे हैं तनवीर भाई? कांग्रेस कह रही है कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और आप क्यों सपना देख रहे हैं और मुझे भी सपना दिखा रहे हैं, फ्रंट रो में बिठाऊंगा? मैं तो संजय निरुपम जी का बड़ा आदर करता हूं, वो जब पहले एक तेज तरार प्रवक्ता थे, हमने उनसे कैसे बात करना है उनसे सीखा है, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। बट संजय साहब, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं पूरी मुझे हिंदी नहीं आती है, नम्रता पूर्वक और जितना आदर से बात कर सकता हूँ मैं इतना कहूँगा कि ये हमारी मगरूरी नहीं है। कर्नाटक की जनता चाहती है, कर्नाटका की जनता चाहती है कि एक आंख रखने वाला हो जो किसानों का मुद्दा इन दोनों नेशनल पार्टीज के पास समक्ष रखे, और कर्नाटक की जनता बहुत अकलमंद है, जैसे आपने बताया कि वो हमेशा हमें क्यों लेकर आकर दोनों के बीच में बिठाती है, इसलिए नहीं कि वो आपका गेम खराब करना चाहती है, इसलिए कि वो जानती है कि आप दो पार्टी में एक पार्टी को अगर संपूर्ण रूप से इख्तदार दे दिया जाए तो यहां पर जो 40% कमीशन हुआ,
और गुंडूराव साहब के वक्त में जिस तरीके का करप्शन हुआ, बंगारप्पा के वक्त जिस तरीके का करप्शन हुआ, दोनों नेशनल पार्टीज इसके लिए जानी जाती है। इसलिए दोनों को चेक करने के लिए कर्नाटक की जनता हमें बीच में बिठाती है ताकि आप दोनों के बीच में बैठकर कर्नाटक की फलाह और बहबूदी के बारे में बात करें। और रही बात हम किसके साथ जाएंगे, कौन है, क्या है, किधर है, हमारे पास डी के शिवकुमार साहब भी पार्टी के साथ टच में हैं और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है, हैं। बट बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि डी के शिवकुमार का क्लियर नाम ले रहे हैं कि डी के शिवकुमार टच में और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है वो है। बीजेपी वाले का भी नाम ले दीजिए। अरे मैं बीजेपी के नाम एक एक क्या है, कर्नाटक की जनता में एक आदमी बड़ा ख्वाब देख रहा है, डीके शिवकुमार सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का क्या है कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की जनता नहीं चुनती और लेजिस्लेशन नहीं चुनती, ऊपर से टपकते हैं, तो पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सपना देख रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो डेफिनेटली टच में है, टच में है, मेरे टच में है, पार्टी के टच में है, डेफिनेटली टच में है। बट हम कर्नाटका की जनता के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या करना है। अगर नहीं देखिए, अब हमें भी पता किसके पास जाएंगे और किससे पूछेंगे, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अशोक जी वेट कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका मिले तो वो बताएं कि किससे पूछा जाएगा, किससे टच करा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी वॉन्टेड टू, आप जरूर कमेंट करना चाहेंगे। सुधांशु जी देखिए, खेल तो खुला है और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी, लेकिन कर्नाटक के अंदर हो सकता है कि और स्लैंग चलता हो।